अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बीनेश फातिमा। मैं डॉक्टर ओबेसिटी क्लिनिक में बेरियाट्रिक कोऑर्डिनेटर हूँ। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर तनवीर राजी अहमद से, जो आपको आपके सारे सवालों के जवाब देंगे जो आप हमसे अक्सर पूछते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि डॉक्टर तनवीर राजी अहमद फुल टाइम बेरियाट्रिक और मेटाबॉलिक सर्जन है। इनफैक्ट ये पाकिस्तान के वाहिद सर्जन है जिन्होंने अपनी लाइफ वेट लॉस सर्जरी को डेडिकेट की हुई है और फुल टाइम यही काम करते हैं। डॉक्टर तनवीर राजी अहमद का 30 साल का एक्सपीरियंस है, ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि यूके, आयरलैंड और सऊदी अरब का भी। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तनवीर, कैसे हैं आप? जी डॉक्टर तनवीर, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे ये है जो लोग सबसे ज्यादा पूछते हैं कि बेरियाट्रिक सर्जरी आखिर है क्या? बेरियाट्रिक सर्जरी उन तमाम ऑपरेशंस को मिला के कहते हैं जो मोटापे के इलाज के लिए की जाते हैं, और ये ऑपरेशन मेदे या मेदे के साथ आंतों को मिला के भी किए जाते हैं, और इनका मेन मकसद वजन कम करना है, यानी मोटापे का इलाज करना है, वजन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनका इलाज करना। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि बेरियाट्रिक सर्जरी कौन करवा सकता है? देखिए, बेरियाट्रिक सर्जरी करवाने में उम्र की कैद नहीं है। अमूमन 13 साल, अब तो दुनिया में बच्चों का भी ऑपरेशन होता है, 13 साल से लेके पाकिस्तान के हिसाब से अब 70 साल 80 साल किसी की बेरियाट्रिक सर्जरी हो सकती है। बस ज़रूरी है कि वो इस ऑपरेशन को बर्दाश्त कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि किन लोगों को ये ऑपरेशन करवाना चाहिए। अगर एक एवरेज पाकिस्तानी खातून है, उसका वजन 75 किलो से ज़्यादा है, या एक मर्द है एवरेज 5.5 फिट उसकी हाइट है, तो उसका वजन अगर 90 किलो है, तो इन लोगों का मोटापा इतना बढ़ चुका है कि इसका इलाज किसी और चीज़ से मुमकिन नहीं है सिवाय बेरियाट्रिक सर्जरी है, तो इन लोगों के लिए ऑपरेशन। या ये कि वो लोग के जिनका वजन तो इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन उनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, जोड़ों का दर्द है, हर्राटों की बीमारी है, तो इस तरह के लोग जो हैं, बांझपन का या हॉर्मोन्स का मसला है, वो ये ऑपरेशन करवा सकते हैं। अच्छा, बेरियाट्रिक सर्जरी होती कैसे है और इसके क्या टाइप्स हैं, मतलब कितने अकसाम की बेरियाट्रिक सर्जरीज होती हैं? बेसिकली की होल सर्जरी है, जिसको लोग गलती से लेजर भी कहते हैं, जिसमें पेट के ऊपर छोटे छोटे कुछ कट्स लगाते हैं, उससे अपने इंस्ट्रूमेंट्स अंदर डाल के आप सर्जरी करते हैं। अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो, हर्निया का हो, आंतों में कैंसर का हो, वो सारे ऑपरेशन इसी टेक्निक से होते हैं। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से कोई भी ऑपरेशन करें तो उसका फ़ायदा ये है कि बड़ा ज़ख्म नहीं आता, दर्द नहीं होता, मरीज़ 1 घंटे के बाद चलने फिरने लगता है, तो ये बेरियाट्रिक सर्जरी के फ़ायदे हैं। रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तो मोटापे का ऑपरेशन तो दुनिया में 100 साल से हो रहा है, लेकिन पहले ऑपरेशन चीरा लगा के होता था, दर्द होता था, बेताशा मसाइल थे। जब से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आई है तकरीबन 30 साल से, तो अब ये ऑपरेशन सुराखों के ज़रिए होता है। और इसमें जैसा आपने पूछा, 2 तरह के मेन ऑपरेशन होते हैं। एक को स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कहते हैं, जिसके अंदर आप मेदे को तकरीबन 70-80% उसका हिस्सा बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, और अंदर एक आस्तीन की सूरत का मेदा छोड़ देते हैं। उन्हीं सुराखों के ज़रिए आप मेदे का यह हिस्सा श्रिंक करके बाहर निकाल लेते हैं, तो इसको स्लीव गैस्ट्रेक्टमी कहते हैं, क्योंकि स्लीव आस्तीन को कहते हैं। और कुछ ऑपरेशन होते हैं जिनका मिला के नाम गैस्ट्रिक बाईपास है, जिसके अंदर आप मेदे को न सिर्फ छोटा कर एक नया छोटा मेदा बनाते हैं जो अमूमन केले के बराबर होता है, और उसके साथ छोटी आंत को भी जोड़ देते हैं, बड़ी आंत को नहीं, छोटी आंत को जोड़ देते हैं। तो खाना चूंकि पूरे मेदे से और आंत के शुरू के हिस्से से नहीं गुजरता, इस वजह से इसको बाईपास ऑपरेशन कहते हैं। इन जगह से मेदे का तेजाब, आंतों को से जो बाइल होता है, जो लबलबे की सिक्रीशंस होती हैं जो खाने को हजम करती हैं, वो इस जगह से चलती भी आती हैं। तो आंतों का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो इस्तेमाल ना हो। बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है? देखिए, इनिशियल फेज में तो ये है कि हम ऑपरेशन के बाद इनक्रेज करते हैं कि मरीज उठे, चले, फौरन पीना शुरू कर दे, दही खाना शुरू कर दे, स्पायरोमेट्री करे, और उसके बाद हम उसको ग्रेजुअली डाइट, पहले लिक्विड डाइट होती है, फिर थिक लिक्विड्स हो जाते हैं, उसके बाद नरम गज़ा, फिर सॉलिड गज़ा पे शुरू कर देते हैं। और इस पूरे अरसे में हम मरीज़ को हर स्टेप पे बताते रहते हैं कि आपने आगे क्या करना है। वज़न कम करने के लिए एक्सरसाइज करना को लाजमी नहीं है, लेकिन सेहतमंद रहने के लिए और इसलिए कि वज़न दोबारा ना बढ़े, आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि बेरियाट्रिक सर्जरी
कि फवायद क्या है, मतलब कोई अगर इसको कराए तो उसे क्या फायदे मिलेंगे? फवायद के जो इसके नुकसान है वो सही हो जाए तो ये इसके फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि देखिए पहले नुकसान जानना जरूरी है। मोटापे का नंबर वन नुकसान ये कि हम अपनी तभी उम्र तक नहीं जी पाते, हमारी जिंदगी 5 से 15 साल कम हो जाती है। जितना वजन ज्यादा होगा उतने ही आदमी अपनी जिंदगी यानी जो उसकी एज उस तक जी नहीं पाएगा। और उसकी वजह यह है कि मोटापे के साथ बहुत सारे अमराज आते हैं जिनमें नंबर वन शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, ठीक है, स्ट्रोक या जिसे फॉलिश कहते हैं, जोड़ों का दर्द, ठीक है, जिगर में चर्बी का जमा हो जाना और बांझपन, हार्मोन्स की बीमारी और बहुत सारी बीमारियां हैं जो मोटापे के साथ आती हैं। इसी तरह मोटापे के बहुत सारे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हैं। बच्चे हैं तो उन्हें स्कूल में बुली किया जाता है, उसी तरह जो है डिप्रेशन मोटापे के साथ चलता है, सेल्फ इस्टीम, खुद एतमादी की कमी हो जाती है। स्पेशली टीन एज के अंदर इसका इलाज जल्दी इसलिए कराना चाहिए कि टीन एज में हम सीखते हैं कि अपने ताल्लुकात कैसे बनाएं, कॉन्फिडेंस कैसे बनाएं, दोस्तियां कैसे करें, तो वो नहीं हो पाती मोटापे की वजह से। तो लोग अपने अंदर इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, लोगों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं, तो पर्सनैलिटी वैसे डेवलप नहीं होती जैसे कि होनी चाहिए। जब वजन कम हो जाता है तो आप दोबारा खुश हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आपकी उम्र वाकई कम हो जाती है, दवाओं से, इंसुलिन से, चीज़ों से आपकी जान छुट जाती है, तो आप ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं, आप कॉन्फिडेंट होते हैं, आप खुश होते हैं, आप ज़िंदगी में एक्टिव होते हैं, बल्कि आप प्रोएक्टिव हो जाते हैं। तो ये इस ऑपरेशन के फवायद हैं। डॉक्टर ने हमें ये बताएं जो सबसे एक अहम सवाल है कि ये मोटापा एक्चुअली है क्या? अच्छा देखिए, मोटापा एक बीमारी है, ठीक है, इस पर किसी का कसूर नहीं है और दुनिया की 2 अरब आबादी इसका शिकार है। ये वबा की तरह फैल रहा है, हर साल कोविड से ज़्यादा मरीज जो हैं वो मोटापे की वजह से अपनी जिंदगी की बाजी हार जाते हैं, उनमें बेतहाशा बच्चे भी होते हैं। मोटापा जो है इस बीमारी में मतलब जिस तरह दूसरी बीमारी है उस तरह मोटापा भी एक बीमारी है, लेकिन इस बीमारी में अननेसेसरी इजाफी नुकसानदेह चर्बी जिस्म में जमा हो जाती है और लोग जो भी खाना खाते हैं उनका जिस्म उस खाने को फैट में कन्वर्ट करता है और जिस्म में बैंक अकाउंट की तरह डिपॉजिट कर देता है। एक चर्बी तो वह है जो नज़र आ रही है जिस पर कीटो के एक्सरसाइज के और इस जिमिंग के मशवरे मिल रहे हैं, और एक चर्बी वह है जो आपकी आंतों में है, दिल की शरियानों में है, दिल के आस पास है, जिगर में जमा है। ये ख़तरनाक चर्बी है क्योंकि ये आपको बीमारियाँ लेकर आती है, इसकी वजह से जिगर फेल होता है, इसकी वजह से हार्ट डिजीज़ होती है, स्ट्रोक होता है, जोड़ों का मसला हो जाता है और इन्हीं मसाइल की वजह से आप अपनी तभी उम्र तक जी नहीं पाते। तो ये इस बीमारी को सीरियस लेना चाहिए। लोग इससे डरते हैं, घबराते हैं कि इसका इलाज, ज़ाहिर है इसके गिर्द एक टैबू है सोसाइटी के अंदर कि मोटा होना आपका कसूर है, तो इसको हमें मिलजुल के काम करना चाहिए ताकि लोग इससे बच सकें। ये जो बेरियाट्रिक सर्जरी या वजन कम करने का ऑपरेशन है, इसके बाद कोई भी पेशेंट कितना वजन कम कर सकता है? BMI या बॉडी मास इंडेक्स हमारे कद और वजन की कैलकुलेशन है जिससे हम अपने मोटापे का दर्जा कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप भी अपना BMI कैलकुलेट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक में हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उसमें अपना एग्जैक्ट वजन और एग्जैक्ट हाइट डालें और उस तरह आप अपना BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद ऑन एवरेज 70% एक्सेस वेट कम हो जाता है। तो किसी का वजन अगर 50 किलो ज़्यादा है तो उसका 35-40 किलोग्राम वजन कम हो जाएगा। गैस्ट्रिक बाईपास में वजन कंपैरेटिवली स्लीव के थोड़ा ज़्यादा कम होता है, वजन दोबारा बढ़ने के चांसेस कम होते हैं। तो इस तरह एवरेज आप एक हिसाब अंदाजे के लिए इसको समझ सकते हैं। डॉक्टर तनवीर हमें ये बताइए कि लोग कहते हैं कि ज़्यादा खाओगे तो वज़न ज़्यादा बढ़ेगा, तो क्या ये सच्चाई है कि खाना खाने की वजह से वज़न बढ़ता है? देखिए मोटापा एक बीमारी है, किसी का कसूर नहीं, कोई अपनी मर्जी से मोटा नहीं हो सकता, कोई अपनी मर्जी से दुबला नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा खाते, कोई ख्याल नहीं करते, जिसे हम कहते हैं जंक खाते हैं, लेकिन फिर भी पतले दुबले होते हैं। और अमूमन जिन लोगों को मोटापा होता है वो आम लोगों से कम खाना खा रहे होते हैं, कभी इस डाइट पे होते हैं, कभी उस डाइट पे होते हैं, लेकिन वज़न उनका सिर्फ खाने को देखने से बढ़ने लगता है। तो अगर किसी का वज़न थोड़ा सा ज़्यादा है, 10 किलो ज़्यादा है, तो
तो उसके लिए डाइट एक्सरसाइज से उसका वजन कम हो सकता है, कम रह सकता है। लेकिन अगर किसी का वजन एक दफ़ा 20-25 किलो बढ़ जाए तो उसका मर्ज इतना शदीद हो गया है कि अब उसका इलाज इससे नहीं हो सकता, यानी आप हर एक को एक ही लाठी से नहीं हाँक सकते। अच्छा, हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि ये वजन कम करने का ऑपरेशन गैर फितरी अमल है। देखिए, गैर फितरी तो नहीं है, उसकी रीजन ये है कि अगर किसी का घुटना खराब हो जाए तो हम उसे बदल देते हैं, तो ये भी गैर फितरी है। अगर किसी को मोतिया हो तो उसका आंखों के अंदर जो लेंस होता है वो बदल देते हैं, वो भी गैर फितरी है। अगर किसी को दिल का बीमारी हो तो हम उसके दिल में स्टेंट डाल देते हैं, वो भी गैर फितरी है। इस तरह तो सीजेरियन सेक्शन भी गैर फितरी है। तो बहुत सारे ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जो कोई फ़ायदा हासिल करने के लिए किए जाते हैं। तो ये जो बेरियाट्रिक सर्जरी है, ये भी मेदे के ऊपर एक ऐसी ऑपरेशन है, जब कैंसर होता है तब भी आप आंखों के ऊपर ऑपरेशन करते हैं। तो अगर हम ये समझ लें कि मोटापा एक बीमारी है जिसका इलाज मेदे और आँख के ऊपर ऑपरेशन से किया जा सकता है, तो फिर हमें गैर फितरी नहीं लगेगा। सबसे अहम सवाल कि अगर कोई बेरियाट्रिक सर्जरी या वजन कम करने का ऑपरेशन करवाना चाहता है तो वो उसकी तैयारी किस तरीके से करे? इसकी तैयारी में अमूमन ये होता है कि आप कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उसके अंदर देखते हैं कि शुगर, ब्लड प्रेशर या कोई चीज़ ज़्यादा है तो उसे कंट्रोल करते हैं, उसमें जितना भी टाइम लगे। और अगर मरीज का वजन बहुत ज़्यादा हो तो हम उसको ऑपरेशन से पहले कुछ अर्से डाइट करवाते हैं। किसी का वजन अगर 250 किलो है तो हो सकता है उसको एक महीने डाइट करनी पड़े। अगर किसी का वजन 120, 30, 40 किलो है तो उसको ऑपरेशन से पहले डाइट की ज़रूरत नहीं है, और प्रोटीन शेक और इस तरह की चीज़ की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर हम किसी को तैयारी का कहते भी हैं तो उसमें हम यही कहते हैं कि गोश्त, मुर्गी, मछली, अंडे, दालें, यानी प्रोटीन रिच फूड खाएं, और रोटी, चावल, मीठा, बिस्किट, पेस्ट्रीज, इस तरह की चीज़ें छोड़ दें, ताकि लिवर थोड़ा, जिगर नॉर्मल साइज पे आए और ऑपरेशन करना आसान हो जाए। एक चीज़ और जो बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं और लोगों के जहन में होती है कि क्या हम कभी भी आम खाना या नॉर्मल खाना खा सकेंगे इस बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद, या हम आम खाना कब से शुरू कर सकते हैं? हाँ, ये भी लोग समझते हैं कि ऑपरेशन हो गया तो मैं गोया भूखा रहूंगा, खा पी नहीं सकूंगा, ये बात भी गलत है। होता ये है कि हम शुरू में, जैसे मैंने बताया कि मरीज को पहले लिक्विड्स पे रखते हैं, फिर महीने बाद वो सॉलिड फूड पे आ जाता है। ऑपरेशन के बाद भूख नहीं लगती, लेकिन आपको खाना खाना ज़रूरी होता है। तो आप ऑपरेशन के कुछ अर्से के बाद वही सब कुछ खाते हैं जो आप पहले खा रहे होते हैं, जो कि सब लोग खाते हैं, आपको कोई स्पेशल खाना नहीं बनवाना पड़ता या स्पेशल खाना नहीं खाना पड़ता। बस फर्क ये हो जाता है कि आपके खाने की क्वान्टिटी कम हो जाती है, आपको भूख नहीं लगती फिर भी आपको खाना खाना होता है, और आपको दिन में ज़्यादा दफ़ा खाना खाना पड़ता है, और ये चीज़ वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता सेटल होती जाती है। डॉक्टर तनवीर, एक सवाल और बड़ा सबके जहन में आता है कि वज़न कम करने के ऑपरेशन के बाद वज़न तो अल्लाह का शुक्र है कम हो जाता है, तो उसके बाद वज़न बढ़ भी सकता है क्या, या कब वज़न बढ़ सकता है? हाँ, देखिए, मोटापा एक लाइफ लॉन्ग बीमारी है और बेरियाट्रिक सर्जरी उसका बेहतरीन इलाज है, बहुत देर पा इलाज है, बहुत रॉबस्ट इलाज है, लेकिन ये कोई जादू नहीं है। अगर हम 100 लोगों का ऑपरेशन करें तो उनमें से 20-30 लोग ऐसे होंगे जिनका कभी ना कभी वज़न दोबारा बढ़ेगा। वो लोग जो अपना हर हफ्ते वज़न नहीं करते, जो फास्ट फूड पर कंट्रोल नहीं कर पाते, जो कि जिन्हें स्वीट या मीठे की एडिक्शन होती है, ऐसे लोगों में वज़न बढ़ने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए अगर आप कोई वॉक करें, कोई अच्छी एक्सरसाइज मेंटेन रखें, खाने पीने पे कुछ ध्यान रखें कि हम सही चीज़ें खाएं, और मोटापा तो एक तेज़ी से वबा है, हम कोविड में तो मास्क इसलिए पहनते रहे कि दूसरे को ये बीमारी ना लगे। तो अगर हम खाने पीने में अच्छी चीज़ों का ख्याल करेंगे तो हमारे ख़ानदान वाले, हमारे बच्चे, हमारी नस्लें इससे महफूज रहेंगे। दुनिया की एक तिहाई आबादी, इसका मतलब है 2 अरब लोग, ठीक है, तकरीबन 6 करोड़ 50 लाख बच्चों को यह मसला, कम उम्र लोगों की डेथ हो रही है मोटापे से, तो इसलिए इसके ऊपर हम सबको मेहनत करने की जरूरत है। इस ऑपरेशन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं क्या, या फिर इससे रिलेटेड कुछ रिस्क हो तो उसके बारे में भी बताएं हमें? देखिए, कोई ऑपरेशन ऐसा नहीं है जिसके साइड इफेक्ट्स या रिस्क इसमें इन्वॉल्व ना हो। जिस तरह गाड़ी चलाने में एक्सीडेंट का रिस्क है, एरोप्लेन में सफर करने में रिस्क है, ठीक है, घर के अंदर अगर आप कोई खाना पका रहे हैं, गैस का चूल्हा, उसमें रिस्क है, उसी तरह इस ऑपरेशन में भी रिस्क है।
तो रिस्क चूंकि बहुत कम है इसलिए ऑपरेशन महफूज ऑपरेशन है, जैसे पित्त की पथरी का ऑपरेशन है या घुटना बदलवाने का ऑपरेशन है, वो क्या है रिस्क? एक तो इन्फेक्शन हो सकता है जख्म में, ब्लीडिंग हो सकती है, इसका मतलब है खून बह जाए, आपको दोबारा ऑपरेशन करके बाज़ औक़ात कंट्रोल करना पड़े, जो आप अंदर स्टेपलिंग करते हैं या सुचरिंग करते हैं उसके अंदर का सुराख हो जाए, खाना पेट में जाने लगे, इसको लीक कहते हैं, अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी रगों में खून जमने का मसला हो जाए, तो ये कुछ इसकी पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हैं। इनमें अच्छी बात यह है कि इन सब का चांस 500 में से एक मरीज से भी कम है, इसीलिए इसको महफूज ऑपरेशन कहा जाता है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन बहुत कम है, जिसके अंदर वाइटामिन की कमी हो सकती है, आयरन की कमी हो सकती है, इसीलिए हर मरीज को बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद वाइटामिन लेने एक तरह से ज़रूरी है। तो ये इसके मतलब कुछ पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन और साइड इफेक्ट हैं। लेकिन 12 लाख ऑपरेशन दुनिया में हर साल होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि रिस्क बहुत कम है, फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। एक बहुत बड़ा मसला और सवाल हमारी सोसाइटी में है कि अगर लड़कियां ये सर्जरी करवाएं, ख़ास तौर पे कम उम्र लड़कियां, तो लोगों के ख्याल में कि वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। तो ये बात थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा कि क्या बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद प्रेगनेंसी हो सकती है? अच्छा, ये बात तो बिल्कुल ही उलट है, क्योंकि मोटापे की वजह से शादी होना हमारे माशरे में बहुत मुश्किल है, और मोटापे से इनफर्टिलिटी या बांझपन हो जाता है। मोटापे की वजह से PCOS या हॉर्मोन्स की बीमारी होती है, जिसमें पीरियड से रेगुलर हो जाते हैं, रिंकल डार्क होने लगती है और शुगर हो जाती है, तो वजन बढ़ता रहता है, डिप्रेशन होता है, तो इसको PCOS कहते हैं। तो ये PCOS जो है ये भी बांझपन या इनफर्टिलिटी की बहुत बड़ी वजह है। तो हम बहुत सारे लोगों का ऑपरेशन इसलिए करते हैं कि वो बांझपन का शिकार होते हैं। तो कई लोगों का ऐसे बेताशा ऑपरेशन होते हैं कि जिसके अंदर उनकी माशाल्लाह शादी भी हो जाती है और औलाद भी होती है। तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये बिल्कुल गलत है, और लोग ये भी समझते हैं कि हर ऑपरेशन के नतीजे में जो है वो बच्ची जो है वो माँ बनने के काबिल नहीं रहेगी। हालांकि बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद तो माँ बनने के चांसेस पहले के मुकाबले में बेतहाशा हो जाते हैं। डॉक्टर तनवीर, बेरियाट्रिक सर्जरी करवाने का फैसला किस तरह करें? अच्छा देखिए, सबसे पहला काम तो ये कि हमारे यूट्यूब के ऊपर या इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर मतलब बेतहाशा मवाद मौजूद है, उसको देखें, इस प्रोसेस को समझें, इसके रिस्क कॉम्प्लिकेशंस को समझें, और ऑपरेशन के बाद इनको क्या करना है इस बात को समझें। उसके बाद अब जब वो हमसे मिलते हैं तो हम उनको कंसल्टेशन देखते हैं, उनकी खाने पीने की आदत, उनकी बीमारियों को चेक करते हैं, उन्हें कुछ ब्लड टेस्ट अल्ट्रासाउंड लिख के देते हैं। तो पहला स्टेप तो तकरीबन यही है। उसके बाद जो है हम कहते हैं कि जो पेशेंट्स जो वेटिंग रूम में जब वो आते हैं, बहुत सारे मरीज होते हैं, उनसे मिलें, बात करें, तो उससे उन्हें और अंदाज़ा होता है कि भाई ऑपरेशन के बाद की ज़िंदगी कैसी होगी। उसके बाद जो उनके जहन में सवालात हों वो हमसे मुझसे पूछते हैं या मेरी टीम से पूछते हैं। उसके बाद दुआ करें, इस्तखारा करें, फैसला कर लें। ये इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने इसको बना दिया। इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल सिजेरियन सेक्शन के मुकाबले में या घुटना तब्दील करने का जो ऑपरेशन, उसके मुकाबले इसमें दर्द बहुत कम होता है। ठीक है, तो चौथे दिन लोग तो ट्रैवल करके वापस अपने मुल्कों को चले जाते हैं, अगले दिन लोग अस्पताल से डिस्चार्ज जाते हैं। तो इस वजह से जो है इसमें इतना परेशानी की बात नहीं। अच्छा डॉक्टर तनवीर, ये बताएं, लोगों के दिमाग में सवाल होता है कि अगर हम बेरियाट्रिक सर्जरी करवा लें तो उसके बाद हमें बहुत लंबे अरसे घर पर रहना पड़ेगा, या मतलब कब वो वापस अपने काम पे जा सकेंगे सर्जरी के बाद? मेरे मरीजों के लिए प्रोटोकॉल ये है कि वो ऑपरेशन के उनको एक घंटे के बाद पानी पिला देते हैं, दो घंटे के बाद चलना फिरना शुरू करा देते हैं, और अगले दिन सुबह उनको हम घर भेज देते हैं। तीसरे दिन मैं हर मरीज़ को लास्ट में क्लिनिक में देखता हूँ, और फिर वो सही होते हैं तो हम उनका डाइट प्लान चेंज करते जाते हैं, और उसके बाद जिन लोगों का अपना काम होता है वो अमूमन चौथे पाँचवें दिन काम शुरू कर देते हैं। जो लोग अमेरिका से आते हैं या इंग्लैंड से आते हैं वो तकरीबन एक हफ्ते के बाद ट्रैवल करते हैं, लेकिन जो UAE से या पाकिस्तान में कहीं से आते हैं वो अमूमन तीसरे चौथे दिन अपनी जगह वापस चले आते हैं। एक चीज़ बहुत हमें गूगल पे सर्च करने में देखने पर आती है कि अगर बेरियाट्रिक सर्जरी करवाएं तो उसके बाद बहुत नौजिया होता है या उल्टियाँ आती हैं, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि ऐसा होता है क्या? ये बात भी गलत है। अगर आपका ऑपरेशन सही हुआ है, टेक्निकली ऑपरेशन सही हुआ है और एक एक्सपीरियंस सर्जन ने किया है,
और आपको गाइडेंस अच्छी है कि किस स्टेप पे कैसे खाना पीना है। तो वॉमिटिंग शुरू के ज़माने में भी बहुत कम लोगों को होती है। अगर लॉन्ग टर्म हमेशा आपको वॉमिटिंग हो रही है तो ये तो बहुत नुकसानदेह बात है, इससे आपको विटामिन सी कमी हो सकती है। आपको ज़रूर अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर किसी को भी बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद ये मसला है ये तो खाने पीने की टेक्निक सही नहीं है। तो इस वजह से मैं अपने मरीजों में इस मसले को फेस करता हूँ। डॉक्टर तनवीर, हमने सुना है कि आपके पास पूरी दुनिया से लोग आते हैं, तो आप जो कराची के बाहर के या पाकिस्तान के बाहर के लोग हैं उनके साथ ये किस तरीके से मैनेज करते हैं सर्जरी, ये पूरा प्रोसीजर? देखिए, मरीज तो हर जगह से कांटेक्ट करते हैं और व्हाट्सएप के बाद तो ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। तो मैं उनका फ़ोन पर इंटरव्यू करता हूँ, उन्होंने वो अपनी तस्वीर भेज देते हैं जिससे पता चलता है कि फैब जिसम में कहाँ पर है। और उसके बाद जो है मैंने कुछ ब्लड टेस्ट बता देता हूँ, ब्लड टेस्ट करवा के व्हाट्सएप कर देते हैं। ऑपरेशन की तैयारी मेरी टीम उन्हें बता देती है, उसके बाद हम उनके ऑपरेशन की तारीख मुकर्रर कर लेते हैं। कोई तैयारी करनी है, कोई डाइट लेनी हो, हम पहले बता देते हैं और फिर वो हमसे कंफर्म करके अपनी ट्रैवल बुकिंग कराते हैं। एक दिन पहले हम उन्हें क्लिनिक में देखते हैं, अगले दिन ऑपरेशन करते हैं, तीसरे दिन अगले दिन छुट्टी हो जाती है, फिर तीसरे दिन दोबारा देखते हैं, फिर वो वापस अपनी जगहों पर चले जाते हैं। उनका फॉलोअप हमारी टीम मुस्तकिल व्हाट्सएप के ऊपर करती है, फॉर लाइफ लॉन्ग फॉलोअप होता है। आपके माशाल्लाह से बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनकी सर्जरीज हो चुकी हैं, तो सर्जरी के बाद आपके पेशेंट्स आपको क्या कहते हैं, उनकी क्या राय होती है इसके बारे में? अच्छा देखिए, जनरली लोगों की जो सबसे ज़्यादा कॉमन बात है कि काश मैं ऑपरेशन पहले करा लेती या करा लेता, क्योंकि आप जब वज़न एक दिन में तो बढ़ता नहीं है, ग्रेजुअली वज़न बढ़ता है, आपकी तकलीफें बढ़ती रहती हैं। तो अच्छा यही है कि किसी को डायबिटीज़ है या कुछ है तो ऑपरेशन जल्दी करवा लें। दूसरा, लोग जब अंदर क्लिनिक में दाखिल होते हैं तो उनकी खुशी नज़र आ रही होती है और उसका बार बार इजहार भी करते हैं। ज़ाहिर है, अगर आपको कपड़े ही ना आते हों, फिर आप स्मॉल मीडियम रेडीमेड कपड़े पहन रहे हों, आपकी पाँव का साइज़ छोटा हो जाए, पूरे जिस्म में हर जगह से चर्बी आपकी ख़त्म हो जाए, तो आपको अपना आप अच्छा लगता है, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आपको लोगों से मिलने जुलने में मज़ा आता है। तो लोग इन्हीं बातों का जो है वह बार बार इतराब करते हैं, होता भी है और हमें कहते भी कि जो चीज़ें हम पहले नहीं कर सकते थे, टांग पे टांग रख के नहीं बैठ सकते थे, अपने नाखून को खुद नहीं काट सकते थे पाँव के, हम जूता नहीं पहन सकते थे, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट या जहाज की सीट पर नहीं आते थे, हम डेंटल चेयर के ऊपर डेंटिस्ट के पास जाना परेशानी थी, शादी हॉल में जाते थे तो कुर्सी देख के परेशानी होती थी। तो ये तमाम मसाइल अगर हम में से किसी के भी ख़त्म हो जाएंगे तो आप सोच लें कितना खुश और कॉन्फिडेंट हो जाएगा, यही हमारे मरीज का। शुक्रिया डॉक्टर तनवीर अपने कीमती वक्त के लिए। उम्मीद है आपको आपके तमाम सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। अगर आपको कोई और सवाल करना हो या अपॉइंटमेंट लेना हो तो दिए गए नंबर्स पर रابطہ कर सकते हैं। एक बात बताती चलूं कि हमारा क्लिनिक सिर्फ कराची में है, पर हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।